जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में पूर्व से निर्मित अखाड़ों के संचालन के संबंध में ग्राम प्रधानों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया और निर्देश दिए कि सभी 17 अखाड़ों को संचालित करने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको चिन्हित कर REs के निर्देशन में ग्राम पंचायतों के द्वारा मरम्मत कराई जाए तथा जो अखाड़े बहुत ही जर्जर हैं उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। CDO ने कहा कि अखाड़ों के आसपास जो भी हैंडपंप खराब है ग्राम पंचायतें उसका रिपोर्ट कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अखाड़ों पर शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए जिससे वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इस मौके पर युवा कल्याण अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि गघा एवं कैंपियरगंज छोड़कर सभी ब्लॉकों में एक एक अखाड़ों का निर्माण कई वर्ष पूर्ण कराया गया था। शासन के निर्देशानुसार सभी अखाड़ों को पुनः संचालन कराया जाना है। इसके लिए उन सभी अखाड़ों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। तो सर कई के ऐसे देखा जाए तो उनकी एग्जिस्टेंस लगभग समाप्त हो चुकी है तो उसको उसमें मरम्मत का तो कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले तो आप चिन्हित कर लीजिए कि कौन कौन इसमें रिपेयर योग्य है और कौन कौन रिपेयर योग्य नहीं है। तो इसमें तत्काल रूप से जो रिपेयर योग्य है उसका एस्टिमेट बना के मनरेगा से उसको करवा लीजिए। मनरेगा 14वां वित्त क्लब करा के उसमें उसका करवा लीजिए। ठीक है, कुछ पक्के कामों में उसको शामिल करना है इसको क्लब करा लीजिए। मनरेगा और 14वां चतुर्थ उसमें क्लब कर लीजिए। ठीक है, बालू वगैरह भी डाल दीजिए। ठीक है, सिर्फ वो मिट्टी इतनी कड़ी है उस पर कुछ ध्यान पड़ेगा तब जाके वो थोड़ा सा अखाड़ा टाइप पर आएगा। अब पूरे का एक एस्टिमेट आप लोग बना लीजिए। अब यह कार्य अगर आपको जैसे किसी कार्य संस्था से कराना है तो RES है और अगर ग्राम पंचायत अपने माध्यम से कराना चाहती है तो वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ग्राम पंचायत भी ठीक रहेगा। ग्राम पंचायत तो करे सर, लेकिन RES के डायरेक्शन में करे क्योंकि यही ठीक है। तो इसमें ठीक है, किसी प्रधान के इसमें आपत्ति ठीक है, ऐसा कोई है राजनीत नहीं उसमें छोटे ग्राम पंचायतों में तो देखिए है समस्या हम समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे ग्राम पंचायत हैं तो छोटे ग्राम पंचायतों में आप ये कीजिए कि वहाँ पे जो ये 60-40 का जो रेशियो है ना वो ब्लॉक लेवल पे मेंटेन करते हुए वहाँ पे अलग से एक कार्यक्रम बना के वो RES के वक्त ठीक है RES उसको अपना मनरेगा के अंतर्गत एक अपना प्रपोजल और उसके थ्रू वो करवा लें। और जो बड़े जो ग्राम पंचायतें हैं जो ग्राम प्रधान उसके माध्यम से ठीक है करता है। उसके पहले रिपेयर पे आप ध्यान दीजिए, वहाँ पे रिपोर्ट तो करवा सकते हैं। रिपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की है। अखाड़े अच्छे चलते हैं तो उनको 60-70 बच्चे देंगे और हर साल नेशनल और प्रदेश बराबर हमारे अखाड़े के पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे प्रपोजल एक बना के भेजिए, अगर ऐसा कोई हो तो छोटे छोटे प्रपोजल अगर साक्षी में भेजे जाए तो वहाँ से प्राप्त हो जाए तो वहाँ एक बहुत अच्छा सा शौचालय और स्नान कर सही कह रहे हैं आवश्यकता होती है। बच्चे लड़ते हैं तो उसी वक्त